मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य की कामकाजी महिलाओं को 5,000 रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। रीवा में आयोजित निवेश के महाकुंभ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि हम लाडली बहनों को 1,250 रुपए के साथ ही इंडस्ट्री में काम करने वाली बहनों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी देंगे। हालांकि उन्होंने अभी इस बात की घोषणा नहीं की है कि इस योजना को वो कब से लागू करेंगे। हालांकि उन्होंने ये ऐलान कर प्रदेश की महिलाओं में एक उम्मीद जरूर जगा दी है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान रीवा में आयोजित निवेश के महाकुंभ के दौरान कही। रीवा में आयोजित निवेश के महाकुंभ की जानकारी देते हुए सीएम यादव अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि खनिज संपदा से समृद्ध सफेद बागों के लिए विख्यात विंध्य की धरती पर स्थित रीवा शहर में आज निवेश के महाकुंभ वाइब्रेंट विंध्या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सहभागिता कर उद्योगपतियों और निवेशकों को प्रदेश में मौजूद संभावनाओं से अवगत कराए। तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं, रेडीमेड गारमेंट से लगाकर के कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर जैसे 4,000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले कहाँ है, यहाँ पे आए ना गोकुलदास के कोई? अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजा, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहाँ पे 2,000? आप बताओ 2,000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चला है, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराजा, आपका बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है, अरे भाई हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1,250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है।